हेलो गाइस, निकितास किचन फूड चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ वो ये पाव वड़ा की रेसिपी है। आप इसे पाव पकोड़ा भी बोल सकते हैं। बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बनती है गाइस, और बहुत बहुत कम टाइम में ये बनके तैयार होती है। तो आप वीडियो में देख ही सकते हैं, देखने से ही ये कितनी टेस्टी लग रही है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करना गाइस, सच में ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे गैस पे एक पैन रख दिया है, उसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ। तो 1 टेबलस्पून ऑयल मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो पैन हमारा अच्छे से गर्म हो गया था, तो ऑयल भी गर्म हो गया है। अब इसमें मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया है, 1/4 TSP। 1/2 TSP मैंने यहाँ पे खड़ा धनिया थोड़ा सा कूट लिया था वो डाल दिया है, और 1/2 TSP मैंने यहाँ पे सौंफ भी डाल दी है। अब इसे थोड़ा सा फ्राई करना है, तो ये फ्राई हो गया है। अब यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा प्याज डाल दिया है, और इसे भी हमें थोड़ा सा भून लेना है। तो बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, इसे लाल नहीं करना है, बस थोड़ा सा ही भूनना है 1/2 मिनट के लिए। तो ये भून गया है। अब इसमें मैंने कुटी हुई हरी मिर्च डाल दी है, तो हरी मिर्च को मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया था, तो वो मैंने डाल दी है यहाँ पे। तो 3-4 हरी मिर्च मैंने यहाँ पे ली है। थोड़ा सा मैंने हल्दी पाउडर डाला है, 1/4 TSP। 1 TSP मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाला है। उसके बाद मैंने नमक भी डाल दिया है, और 1/2 TSP मैंने यहाँ पे ज़ीरा पाउडर डाल दिया है। तो नमक आप स्वादानुसार डालें। तो इसे भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मसाला हमारा मिक्स हो गया है। अब यहाँ मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, उबले हुए आलू है, और इसे मैंने अच्छे से स्मैश कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब ये आलू मैंने मसाले में डाल दिए हैं। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो आलू को हमें अच्छे से मसाले से कोट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं आलू का जो मसाला है वो हमारा रेडी हो गया है। अब इसमें मैं कटा हुआ हरा धनिया भी मैंने यहाँ पे 1/4 कप डाल दिया है, और इसे भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये आलू का जो मसाला है वो हमारा रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये लग रहा है। अब इसे मैं एक बाउल में निकाल लूँगी और इसे ठंडा होने दूँगी। तो मसाला हमारा ठंडा हो गया है। अब यहाँ पे मैंने ये लड़ी पाव लिए हैं, तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही छोटे साइज़ के हैं। अगर आपके पास बड़े साइज़ के हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये छोटे साइज़ के थे तो वो मैंने लिए हैं। अब इसे हमें 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है इस तरह से। तो जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ वैसे ही करना है हमें। तो देखिए सारे पाव जो है वो मैंने इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड कर लिए हैं। अब हमें इसके ऊपर जो है वो जो हमने आलू का मसाला बनाया था वो इस तरह से लगा लेना है। तो आप देख सकते हैं मैं हाथ से ही लगा रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा मसाला हमें नहीं लगाना है, थोड़ा सा ही लगाना है। तो इसी तरह से सारे जो पाव है उसे मैं मसाला लगा के इसी तरह से तैयार कर लूँगी। तो देखिए सारे पाव मैंने यहाँ पे तैयार कर लिए हैं मसाला लगा के। अब इसके लिए हम एक बेसन का बैटर बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने 1 कप भर के बेसन लिया है, और उसमें मैंने 1/2 TSP नमक डाला है, और 1/4 TSP मैंने हल्दी डाल दी है। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका बैटर रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने 1 कप पानी लिया है, आप देख सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही हमें बैटर को बनाना है। तो बैटर में कोई भी गाँठे या लम्ब्स नहीं होना चाहिए, अच्छे से हमें स्मूथ बैटर बना के रेडी करना है गाइस। तो आप देख सकते हैं, तो बैटर हमारा रेडी हो गया है। अब इसमें मैंने 1/8 TSP मैंने यहाँ पे बेकिंग सोडा डाला है, आप देख सकते हैं, और थोड़ा सा हींग डाल दिया है मैंने। अब इसे भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो आप देख सकते हैं गाइज, मैंने 1 कप पानी लिया था, उसमें से इतना पानी बच गया है, तो 1 या 1.5 टेबल स्पून पानी यहाँ पर बच गया होगा। तो बैटर हमारा रेडी हो गया है। अब हमें इस तरह से ये जो पाव को हमने मसाला लगाया था तो उसे हमें इस तरह से जो बेसन का घोल हमने बनाया है उसमें डिप करके इस तरह से ऑयल में छोड़ देना है। तो ऑयल मैंने पहले से ही गरम करने के लिए रख दिया था, तो गरम ऑयल में ही हमें इस तरह से ये जो वड़ा है इसे फ्राई कर लेना है, आप देख सकते हैं, और मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही हमें इसे फ्राई करना है। तो गैस का फ्लेम हमें स्लो नहीं करना है गाइस। तो इसी तरह से हमें उलट पलट के इसे फ्राई कर लेना है। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए।
और जब हम तेल में वड़ा डालते हैं ना गाइज, उसके बाद हमें गैस को जो है वो मीडियम कर देना है, और मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमें इस तरह से उलट पलट के फ्राई कर लेना है। तो इस तरह गोल्डन ब्राउन जब हो जाएगा तब हमें इसे निकाल लेना है। आप देख सकते हैं तो वड़े हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इसी तरह से सारे वड़े जो है मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। तो आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करना गाइज, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इसी तरह से सारे जो पाव के पकोड़े हैं, वड़े जो है वो मैंने फ्राई कर लिए हैं। तो आप इसे कोई भी चटनी के साथ या टोमेटो केचप के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे ये लग रहे हैं। तो आप इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक वड़ा जो है उसे कट कर लिया है, उसके ऊपर मैंने यहाँ पे धनिया पुदीना की जो चटनी है वो डाल दिए है, और इमली की चटनी डाल दिए है। ऊपर से मैंने यहाँ पे प्याज और थोड़े से सेव डाल दिए हैं, और थोड़ा सा धनिया डाल के इसे डेकोरेट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं, तो इस तरह से तैयार करके भी आप इसे खा सकते हैं गाइस। तो बहुत ही अच्छी और टेस्टी ये रेसिपी बनती है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करना गाइस। तो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।